नमस्कार, कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में आपकी स्वागत बा। बुद्ध समुदाय के टेलीविजन पर कार्यक्रम लेके अगली रात इसने ये कार्यक्रम आप हर एक सोम के ऐसे हर एक मंगल के और हर एक बुध से ठीक ऐसे समय से देख सकल जाते। ते कार्यक्रम के साथ में हम राज ऐसे अमन के कैमरा पर्सन नारायण के साथ में बैठी तो वैसे ही कार्यक्रम रे के अमन के समाज असल बनाए हमरे कहा करे परिये और हमरे कोनो भी संस्था में ढेला सुस्ती बातें ओके हमरे कैसे निर्मूल कई सके। ते ऐसे हमरे हर एक स्कूल यानी कि विद्यालय और कॉलेज में पठन पाठन कैसन बा हमरे गुड़ी स्तर बढ़ाए करतीन का करी परी इस संबंध में भी चर्चा कल जत। ते आज हमन लग अतिथि बाटी हमरे वहाँ की न्योता धर गिल बा धनेश्वर कंवर बाटी हमन लग आज नेपाल शिक्षक महासंघ रोहिणी गाँव पालिका के अध्यक्ष तथा भविष्य उज्ज्वल आधारभूत विद्यालय रोहिणी चार के प्रधान अध्यापक हमरे वहाँ से बातचीत कल जी। ते आप भी संगरी साथ रह जी बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन संगरी ते वैसे ने हमरे आपके स्वागत कल जत बा। धन्यवाद, नमस्कार। ते आप नेपाल शिक्षक महासंघ रोहिणी गाँव पालिका के अध्यक्ष तथा भविष्य उज्ज्वल आधारभूत विद्यालय के प्रधान अध्यापक रह गिल बा। ते वैसे आपके कितना वर्ष हुई सेवारत रहल के? तो हम कहा जाते हम लगभग 2056 साल से शिक्षा सेवा में समर्पित बाटी और आज के कहा जाते अवस्था 20 वर्ष हमार शिक्षा सेवा में कार्यरत हुए। तो 20 वर्ष दुई दशक हम इस शिक्षा सेवा में कार्यरत अपन जीवन गुजरले बाटी अभी तकले। हाँ, ते वैसे ये क्षेत्र में लागत के कैसन अनुभव प्राप्त कर लिल बाती? ते हम शिक्षा क्षेत्र में जब लगली आ उससे पहले भी जब हम पढ़ने क्रम में शिक्षा क्षेत्र में हम लागब के हमार सोच रहे तो जब लागे पागल शिक्षा क्षेत्र में तो हमें एकदम खुशी लागल कहें कि शिक्षा क्षेत्र कहाल के ऐसा क्षेत्र हो कि शिक्षक पेशा ऐसा पेशा हो कि हमन के जनता की सेवा कैसे दे सकल जाला। अब एहमें और सबसे खुशी की बात बा कि लैकन के भविष्य बना के अपने आत्मा के खुशी पावे के जो अपन चाहना होला वो पूर्ति होला। तो इस शिक्षा में लगलग हमारे उद्देश्य रहे कि कैसे जनता के सेवा कैसे कर जाला शिक्षा दे के और हमन के सर्वसाधारण लेके सब जनता लोगन के अथवा जनता के जो बाल बालिका लोग बाटे हैं विद्यार्थी लोग बाटे हैं उनके भविष्य कैसे उज्ज्वल कैसे कर जाला के हमारे चाहना रहे वहीं से हम इस शिक्षा क्षेत्र रोजली और हम इस शिक्षा क्षेत्र में आए के अवसर पहली। हाँ, जैसे अब इसे हमारे कहाल जी कि शिक्षा कहाल के एक जो है मानव जीवन बाखान के एक भविष्य निर्माण दाता होने जैसे कि अब कोनो भी लड़का एक जन्मल ते सबसे पहले तो एक बाप मातरी ओखान के शिक्षा देख पड़ी और साथ में जब थोड़ी से बड़ा हुई तो एक स्कूल ओके धाक पड़ी और भविष्य निर्माण के करतीन। तो जो हमन के शिक्षा कहाल जा एक ओखान के भविष्य निर्माण दाता होने ते कितना भूमिका बा ओखन के भविष्य निर्माण के कथी जिस लागत आपके? तो जब बाल बालिका के जन्म होला तब सबसे पहले तो शिक्षा के दाता के रूप में बाप महतारी आवाना जो उनकी ओके जब जन्म लाते कौन किस्म के थाना ही होला ओके बोले के ओकरे बाद खाए पिए के पहले बाप महतारी सिखाना ओकरे बाद के दूसरा ज्ञान दाता अथवा शिक्षा देहे वाले व्यक्तित्व शिक्षक आवाना। तो शिक्षक के जब हाथ में अपन बाल बालिका के अभिभावक लोग सौंप देना तो पूर्ण जिम्मेवारी के साथ शिक्षक लोग वो बाल बालिका के भविष्य कैसे उज्जवल हुई वो अपन मन में अठोट रख के ई लड़का के ई बाल बालिका के हम बढ़िया सक्षम बनाए एक भविष्य उज्जवल करब एक ई चाहना लेके शिक्षक लोग आगे बढ़ाना और वे अनुसार विद्यार्थी भी प्रतिफल पावाना। हाँ, वैसे तो जो हमन के शिक्षक और विद्यार्थी में नो और मासु के संबंध बा अते वैसे ओखन के भविष्य निर्माण के खातिर जो अभिभावक बाटे ओखन की कितना हाथ रात के जैसे लगाता आपके विचार में? अब देखल जा अब शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक जो त्रिपक्षीय बा ये त्रिपक्षीय एकदम नंग मासुक संबंध बा। अब ये त्रिपक्षीय में से कोनो पक्ष यदि कमजोर हो गई तो वो विद्यार्थी के शिक्षा प्रति कुछ बाधा अड़चन खड़ा हो जाला। यदि तीनों पक्ष से अभिभावक शिक्षक और विद्यार्थी तीनों पक्ष एकदम सकारात्मक किस्म से जाता तो वो विद्यार्थी के भविष्य आगे के लिए एकदम अजूर रहला वो सफलता पावला। तो इतने भरना है कि अभिभावक शिक्षक और विद्यार्थी भरना है कि इससे संबंधित और सरकार वाला निकाय जैसे स्थानीय निकाय हो गए शिक्षा मंत्रालय हो गए शिक्षा विभाग हो गए लगायत के और दात्री संस्था लोग बाटें वो भी के महत्वपूर्ण भूमिका रहला कि विद्यार्थी के भविष्य उज्जवल हो विद्यार्थी अपन ज्ञान सीख के अपन पढ़ाई पूरा कई के असल व्यक्तित्व बने कई के सबके चाहना रहा वहीं से ये तीनों पक्ष
महत्वपूर्ण पक्ष हो। शिक्षक अभिभावक और विद्यार्थी एक साथ साथ गौण रूप में भी तमाने पक्ष रहला जेकर महत्वपूर्ण भूमिका इस विद्यार्थी के ज्ञान प्राप्त करे खातिर महत्वपूर्ण भूमिका रहला। हाँ तो इसे हमारे इतना घड़ी बातचीत कल जात बा कार्यक्रम संस्कृति सरोवर में और साथ में बाटी हम संचालक राज और हमारे के कैमरा पर्सन नारायण और आज के अतिथि बाटे धनेश्वर कंवर। तो उसे हमन के जो इस विषय में चर्चा करत के जौन कि अब कितना जने जौन जे टीचिंग पेशा में लगल बा वो अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाई खोजने बकिन का अपने जौन लड़का बाटे ओखन के निजी विद्यालय में पढ़ाई खोजने एक खास कारण का होती आखिर अब कितने बड़ा बढ़िया प्रश्न रखल गए। एहमे तो का हो सबसे पहले अभिभावक के मानसिकता और विद्यार्थी के मानसिकता जौन सामुदायिक विद्यालय प्रति नकारात्मक बा सबसे पहले उ मानसिकता हटाए पड़ी। उ चाहे शिक्षक हो कोनो कर्मचारी हो अथवा इस सरकार के कोनो पद पे बहाल निर्वाचित व्यक्तित्व हो उ व्यक्तित्व लोगन के अठोट लेख पड़ी कि हमन के लेके सामुदायिक विद्यालय पढ़िए सामुदायिक विद्यालय हमन के एठोरा बढ़ियन विद्यालय के रूप में हमारे स्थापना कैल जाए कहके सोच बनैए तो पढ़ा सकन है। लेकिन का अपवाद के रूप में कोनो शिक्षक अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाई खो जाता अपन लड़का बढ़िया पढ़ाता ये ना हो कि सामुदायिक विद्यालय में पढ़ाई ना बढ़िया होला। सामुदायिक विद्यालय में पढ़ाई एकदम बढ़िया होला बोर्डिंग के तुलना कैल जा तब पर भी उस बढ़िया पढ़ाई होला। अब उदाहरण के रूप में हम अपने कहते टीम हम पहले सामुदायिक विद्यालय में अवसर ना पहले पर हम सरकारी विद्यालय में अवसर ना पहले हाली उससे पहले बोर्डिंग में हम पढ़ावत हाली बकिर जौन मेहनत परिश्रम हम बोर्डिंग में करत हाली उससे ज़्यादा मेहनत परिश्रम हम सरकारी स्कूल में आके सामुदायिक विद्यालय में आके करत बाटी। वही अनुसार हम आप जिज्ञासा रखल गए कि अपन लेकिन के सरकारी विद्यालय में न पढ़ा के बोर्डिंग पढ़ा लेकिन का हम इठू अपने ही उदाहरण बाटी कि जब हम बोर्डिंग में पढ़ाता हाली उस समय भी अपने लड़का के हम सरकारी स्कूल में पढ़ावत हाली। जब सरकारी स्कूल में आ गई तो स्वाभाविक सरकारी स्कूल में पढ़ते ही रहा लड़का आज के अवस्था में आके उ लड़का हमारे लड़का आज सरकारी स्कूल में पढ़ के बढ़िया मार्क लान के आज उच्च शिक्षा में बढ़िया शिक्षा हासिल करता जौन कि एक उदाहरण के रूप में बा। तो अभिभावक लोगन से हम अनुरोध करब कि आप सब अपन दिमाग से इस सामुदायिक विद्यालय में पढ़ाई ना होला कहकर हटा देवल जा जौन सेवा सुविधा अपने जौन निजी विद्यालय में अथवा बोर्डिंग में जो पढ़ा के देवल जाता उस सेवा सुविधा सरकारी विद्यालय में पढ़ा के अपन बाल बालिका देवल जा। यदि उसे कम रिजल्ट उसे कम ज्ञान प्राप्त हुई तब सामुदायिक विद्यालय के शिक्षक के लोगन के दोष देवल जा। एक बात आप सब कंसेप्ट में रख लेगा कि अभिभावक लोगन से हम अनुरोध करम कि आपके बाल बालिका अथवा आपके लड़के यदि बोर्डिंग स्कूल में जात बाटे आप भिनहिए से ओकर तैयारी में बाटी जा भिनहिए से तैयारी कैल जाए बोर्डिंग स्कूल में सपरा के पढ़ा के टिफिन में दो चार रुपया दे के पठा देवल जाए अथवा टिफिन पूरा भरपूर गई को पढ़ा देवी बकिर का आपे के लड़का यदि सरकारी में पढ़े जात बा कोनो तो ओके ना आप सपरावल जाए न कोनो टिफिन के व्यवस्था कैल जाए चिया नाश्ता के जाता पढ़ के आवता पढ़ के अले के बाद घरासी काम में ओके लगावा जाए बकिर बोर्डिंग में जो जाला जबकि जो लड़का पढ़ावल जाता आप सब ओके कब्बो नहीं घर अले के बाद कहा जाता कि घरासी काम में लगावा जाता ओके बल्कि होमवर्क करावा जाता होमवर्क का धाले बांटना कहिए कहा जाता और कितना विभाग बांटना होमवर्क शब्द के अर्थ नहीं होगा होमवर्क कहले कि नहीं कहले कहिए अब लेकिन के पूछा था ना। तो वहीं से यदि सरकारी स्कूल में जौन जौन अभिभावक अपने लेकिन के पढ़ावा था ना बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाए वाला के भी जौन किस्म की सुविधा देते ना अपने बाल बालिकन के वही किस्म की सुविधा जो दल जा अपन लड़कन के तो उ लड़का बोर्डिंग स्कूल से एको रत्ती कम ना रही उसे बढ़िया मार्क लाई उसे बढ़िया ज्ञान भी प्राप्त करी। हाँ तो उसे अमन के रूपंदेह के हक में कहा जा जौन कि आपके स्कूल अवस्थित बा और अमन के रूपंदेह के एकदम दक्षिणी बेल्ट में कहा जी तो उसे रूपंदेह के हक में हमारे कहा जी कि दक्षिणी बेल्ट में थोड़े से गुण स्तर कम रहते के सुनिक मिलत ते में आपके कैसा लगता और साथ में जाके जौन कौन समुदाय के जौन लोग बाटे उखान के गुण स्तर घटल है जैसा लगता। अब इतने हमन के रूपंदेही जो बात कही जाता रूपंदेही तो अब शिक्षा क्षेत्र के एक काठमांडू के बाद दूसरा क्षेत्र हो। अब ये हमन के रूपंदेही में अब संस्थागत विद्यालय मात्र न कि सामुदायिक विद्यालय में भी शैक्षिक स्तर बढ़िया बा
हमन के सबके मालूम है अवगत बा नेपाल राष्ट्रभर अवगत बात बा बगैर एक रूपंदेही जिला के अब दक्षिणी क्षेत्र कहा जाते अब के मरचवार से लेके या रोहिणी गाँव पालिका तक ले पड़ाला तो हमार कार्य क्षेत्र रूपंदेही के पूर्व दक्षिण क्षेत्र हो जौन कि रोहिणी गाँव पालिका ओमे नौलपरासी से सटल और के भारत के सीमा से सटल ओकरे बाद सिद्धार्थ नगर पालिका से पूर्व के क्षेत्र हो उ क्षेत्र में खास जाति से बहुलता कहा जाते मधेसी थारू और मुस्लिम समुदाय के ढेर बहुलता बा तो उ क्षेत्र में शैक्षिक स्तर कम होला कह के जो कहा जाता स्वाभाविक बात हो अब उ कम होले के मुख्य कारण का हो कि अभिभावक लगन के अब अशिक्षा वैसे ही हो सकल आर्थिक समस्या तो सबसे पहले तो अशिक्षा पड़ल उस सबके कमी अशिक्षा के कमी कारण से हम पहले ही भी कह चुकली कि यदि वो सब संपन्न बाँटे थे बोर्डिंग में पढ़ेंगे ओकरे बाद ओके अपन लड़का के बढ़िया सुविधा दिए बोर्डिंग में जो खर्च अती रहते ना ओकर 10% खर्च यदि सरकारी स्कूल में पढ़ा के वह लड़का के व्यवस्थापन में करें तो बोर्डिंग से एको रत्ती कम नहीं हुई हम पहले आपसे कह चुके तो शिक्षा के स्तर आऊ दक्षिणी क्षेत्र में काहे कम होला कहले मतलब कि अभिभावक लोग शिक्षा के जो महत्व बा उ ना बुझले कारण से हो उकरे बाद दूसरा कारण हो सकल आर्थिक समस्या आर्थिक समस्या के कारण से भी उ अपन विद्यार्थी अपन लड़कन के अपन बाल बालिकन के समय में ज्ञान देह से वंचित हो जाते ना जैसे उदाहरण के रूप में कहा जाए कि अब कोनो लेबर काम करते ना अब कोनो ईटा भट्टा में काम करते ना तो आज रोहिणी गाँव पालिका में काम करते ना तो बिहान जाके माया देवी गाँव पालिका में चल जाइए मरचवारी गाँव पालिका चल तो ओकरे संगे साथ उनके बाल बालिका भी बाध्य होकर जाए पड़ता तो वहीं से उस लड़का के अब चार दिन यही स्कूले में चार दूसरे स्कूले में जब पढ़िए तो शिक्षा के जो गुणस्तर हो वो प्राप्त ना कर पाइए वहीं से वो दक्षिणी क्षेत्र में शिक्षा के जो कमी आवता मुख्य कमी अशिक्षा उकरे बाद आर्थिक अवस्था है अब वैसे नहीं सरोकार वाला जो क्षेत्र बा मत पूर्ण रूप में देखा जाते जो शहरी क्षेत्र में तो माने गैर सरकारी संस्था बा शिक्षा प्रति देखे वाला विशेष करके शहरी क्षेत्र में देखा था ग्रामीण क्षेत्र में यदि उ जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के जो सर्वसाधारण गरीब जनता बाटने उ सब शिक्षा पावे के अवसर पाई हैं कह के हम कहब खास करके मुख्य कारण आर्थिक और गरीबी और अशिक्षा कारण से उस क्षेत्र के शैक्षिक स्तर अथवा जो रिजल्ट हो कमी हो में लौकाला हाँ वैसे जो उनके बोर्डिंग स्कूल में यानी कि निजी विद्यालय में खाली जीते जो विद्यार्थी बाटे ओकरे कड़ा मेहनत करने और सरकारी स्कूल में भी टाइम से नहीं जी हैं वैसे नहीं जो टीचर बाटे यानी कि शिक्षा बाटे वो सभी निजी में अब जितना ध्यान से पढ़ाई खोजी हैं अब टाइम पे जाइए उतना सरकारी स्कूल में नहीं जाने ते वैसे जो उनकी अपन आचार संहिता पर लागू नहीं कराने ते असर शिक्षक में का किसान गुण हो आवश्यक बा तो आपसे हम पहले कह चुकली कि अब सबसे पहले तो जे शिक्षक हो अपन पेशा प्रति जिम्मेवार हो चाहिए यदि पेशा प्रति जिम्मेवार बा तो वो व्यक्ति कबो नहीं असफलता पाई आ जो बात कहा गया कि समय से अपने ड्यूटी में अपन स्कूले में नहीं जाना ये अपवाद के रूप में क्यों क्यों हो सकाला नहीं तो सकभर ते आज की अवस्था में कोनो शिक्षक वैसन ठगिक प्रवृत्ति तो नहीं लौकाला यदि केहू वैसन बा तो ओके हमन के स्थानीय निकाय और संबंधित निकाय भी कार्यवाही कर सकाला तो हमन के जो बोर्डिंग में कहा गया बोर्डिंग में रिजल्ट बढ़िया अथवा बोर्डिंग में शिक्षक की निमित्ता होला सरकारी स्कूल में शिक्षक की निमित्ता नहीं होला अपवाद के रूप में एकाठू हो सकाला बगैर का कहा जाते समग्र रूप में जो बोर्डिंग में देहे वाला ज्ञान और समुदाय विद्यालय में देहे वाला ज्ञान में कुछ फर्क बा ओमें का फर्क बा बोर्डिंग में हाउ टू पास कह के सिद्धांत से बोर्डिंग में देखावाना बकर का है सरकारी स्कूल सामुदायिक विद्यालय जो बा उनमें किताबी ज्ञान कितना देख बा समग्र रूप में ज्ञान देना वहीं से वो बाल बालिका लोगन भविष्य में जो प्रयोग करे वाला ज्ञान बा वो पूर्ण रूप से सरकारी स्कूल में प्राप्त कराना है अब बोर्डिंग के में जो बा उन सबके एक टू सुगार अटाए किस्म से हाउ टू पास कैसे ज़्यादा नंबर लेंगे वो दृष्टिकोण से रहा पढ़ाई होला हम भी बोर्डिंग में पढ़ेले बाटी कैसे ज़्यादा
नंबर ला सकना उ किस्म से जाए जाएगा ताकि हमन के जब रिजल्ट आई तो सबसे ज्यादा इतना परसेंट इतना जीपीए लान के पास होना कहके विज्ञापन कर सकल जा। बाकी का बौद्धिक रूप में अब देखा जाते समग्र रूप में विस्तृत ज्ञान सामुदायिक विद्यालय में बाल बालिका लोग पावन है। आचार संहिता के रूप में कहा गए थे सबसे पहले थे शिक्षक लोग अपन पेशा प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो पड़ी ओकरे बाद अपन पेशा प्रति दक्षता हासिल हो पड़ी। यदि दक्षता नहीं बा उ काम लायक नहीं बा अथवा जब अपने में दक्षता नहीं रही तो उ विद्यार्थी लोगन के अभिभावक लोगन के जो बाल बालिका बाटे उन्हें ज्ञान कैसे दे उन्हीं से हमन के मापदंड बनाए पड़ी कि निश्चित अब प्राइमरी लेवल में कम ज्ञान कम शिक्षा प्राप्त करे व्यक्ति भी पढ़ावत ना माँ उसे माँ भी उच्च माँ भी तक ले तो ना हो क्वेश्चन हो कि जौन ज्ञान अपन योग्यता उच्च शिक्षा हासिल कराए के खर्चन जो शिक्षक लोग रखते ना प्रोफेसर रखते ना यदि वह प्रोफेसर आके प्राइमरी लेवल के भी शिक्षक के जो शिक्षक दे अथवा ज्ञान दे वह योग्यता वाले व्यक्ति तो और बढ़िया हुई तो नेपाल के शिक्षा के नीति वही किस्म से लागू कर शुरू में ऊपर से अध्यापन करात करात अंतिम में आके प्राइमरी शिक्षा में आके अध्यापन करे यदि शिक्षक लोगन के प्रवृत्ति रखत तो वो और बढ़िया होत। तो सबसे पहले हम शिक्षक के जो ठगे वाला प्रवृत्ति बा वो सबके नहीं बा एक दुई जना हो सकल है तो एक दुई जना आपके होले कारण से उ सबके सब शिक्षक बदनामी होता तो उसे समग्र में अब कहा जाते अब संस्थागत विद्यालय जन बा संस्थागत विद्यालय में भी आपके सब संस्थागत विद्यालय परिपक्व है पहले बा कितना संस्थागत विद्यालय बाटे कि उनमें अंडर SLC के शिक्षक लोग भी पढ़ावा ना वे शुगर अटैक पर बीती से वहीं से हमन के जन जितना आदमी कहन है कि सामुदायिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होला वो एकदम गलत हो पूर्ण रूप से नहीं हो कि सत्यता उन्होंने नहीं हो हो सका ला एक दो विद्यालय में एक दो जना ठगे वाला मास्टर हो सका ना वहीं है उतना नाई के पास नाई बार ना गई कि ठोकवा नाई के पास ठगे वाला प्रवृत्ति उस सबके जन बा उस सबके लिए संबंधित निकाय उनके कार्यवाही करते आगे पर कदम चलें परी यदि उन्हें सक्षम बाटा नहीं पढ़ा सकते ना तो उनकी अपन इच्छा अनुसार हम पढ़ा सकते थे हम ई पद से राजीनामा देव कह के सोच लेवे के हम शिक्षक लोगों के अनुरोध भी करम। हाँ तो उसे हमन के निजी जो विद्यालय बा उ विद्यालय से और गुणस्तर बढ़िया लियाने खातिर सामुदायिक जो विद्यालय के शिक्षक बाटे अखन के कुछ कहे चाहल जाए तो सामुदायिक विद्यालय लोगन शिक्षक लोगन से हमार अनुरोध कहा कि आप सब के तलब कहाँ से खाई जाता वही विद्यार्थी से खाई जाता यदि स्कूल में विद्यार्थी नहीं रही हैं तो आप सब तलब ना खाए पाओगे आपको जागरूक नहीं रही तो आप सब सोच बनावल जा शिक्षक लोगन से अनुरोध करब कि आप सब ऐसा सोच बनावल जा कि विद्यार्थी रहें विद्यार्थी के हमन के आकर्षित कर जा ज़्यादा विद्यार्थी संख्या बढ़ाई जा और हमन के जागीर बरकरार रहे हमन के वहीं से यदि विद्यार्थी संख्या नहीं रही है विद्यार्थी की संख्या न्यून हो जाए अथवा खत्म हो जाए तो हमन के जागीर भी खत्म बा वहीं कारण से आप सब सोच बनावल जाए कि हमरे विद्यार्थी संख्या बढ़ाई जा उन्हन के शैक्षिक स्तर उकासे खरतिन तमाने किस्म के क्रियाकलाप जन बा शैक्षिक स्तर वृद्धि करे खरतिन वो क्रियाकलाप लागू कह के एकदम बढ़िया ज्ञान देवल जा ताकि बोर्डिंग से भी आके आकर्षित हो जाए वो विद्यालय में बाल बालिका लोग आवें बढ़िया ज्ञान पावें कहकर उस किस्म से यदि चल जाए तो हमन के बोर्डिंग में से विद्यार्थी आकर्षण कहकर अपन सामुदायिक विद्यालय में भी बढ़िया ज्ञान दे सकल जाए उस किस्म के आप सबके हम शिक्षक लोगों के भी अनुरोध करके चाहते थी। हाँ तो उसी जो हमन के विद्यार्थी बांटे और साथ में अभिभावक वर्ग बांटे उनके कुछ कहकर चाहल जाए तो विद्यार्थी और अभिभावक लोगों से तो पहले ही थोड़ा थार बात कह सकली कि आप सब जौन सामुदायिक विद्यालय में आप सब पढ़ावल जाए जाता बोर्डिंग विद्यालय में पढ़ावल जाए जाता तो सबसे पहले अपने छाती में हाथ रख के आप सब समझ लाल जाए कि हम बोर्डिंग में पढ़ावत थी तो हमारे लड़का बढ़िया ज्ञान पावता सरकारी में पढ़ाते नहीं बढ़िया ज्ञान पावता वो हटा देवल जा छाती में हाथ रख के कहा जाए कि जौन हम बोर्डिंग में लगानी करते थी वो सरकारी स्कूल में लगानी कैल जा ओकरे बाद आप बोर्डिंग में पावला प्रतिफल सरकारी में नहीं पावल जाए ओकरे बाद आके शिक्षक प्रति गुनासो कैल जा तब हम ओकर के लिए हम आप सबके अनुरोध करब और चैलेंज के साथ कहम कि जौन ज्ञान बोर्डिंग में पात ना उससे बढ़िया ज्ञान सरकारी स्कूल में पहिए कि आप सबके अनुरोध भी करब। हाँ तो उसे हमन के जो नेपाल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाते जो नेगेटिव बेरोजगार के सृजना बा और कितना जो नेपाल के व्यक्ति बाटे विदेश प्लान हो के बाध्य बाटे थे वास्तव में नेपाल के शिक्षा प्रणाली कैसन हो चाहे कि तो हमन के नेपाल में शिक्षा प्रणाली जो बा व्यवहारिक
और उ सबके बाद में पढ़ले के बाद काम लगे वाला सीपमूलक शिक्षा प्रणाली एकदम न्यून बा। ते व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली और सीपमूलक शिक्षा प्रणाली यदि नेपाल में लागू हो गई जो ते विदेश पलायन वाला होए वाला जो समस्या बा एकदम कम हो जाई। ते जैसे उदाहरण के रूप में ले जा हमन के पढ़ाई ते होला बगैर का किताबी ज्ञान प्राप्त होला व्यवहारिक ज्ञान नहीं प्राप्त होला ओकरे बाद पेशागत रूप से ज्ञान नहीं प्राप्त होला। तो सरकार धीरे धीरे प्रोसेस आपके शुरू कैले बा अब माबी स्तर नौ कक्षा से भी आपके प्रविधि धार तरफ अब शिक्षा देख शुरू कर दिले बा। वैसे नहीं हमन के तलो स्तर में भी अब वही किस्म से शिक्षा लागू करी तो अवश्य विदेश प्लान होने वाला समस्या कम हुई। हाँ तो वैसे आप अमूल्य समय दहल के लेकर कहते आपके हृदय से धन्यवाद देख सकते बा। धन्यवाद। हाँ तो वैसे हमारे इतना घड़ी देखल जल कार्यक्रम संस्कृति सरोवर हमन के आज के अतिथि रहने धनेश्वर कंवर वैसे हमन के कैमरा पर्सन नारायण उनके विशेष धन्यवाद देते ऐसे आप देखते रहिए बुद्ध समुदाय टेलीविजन का हाथ हम रात भी आपसे विदा होती। नमस्ते।